जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, एंजल से, गॉड से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने जीवन में हर एक नकारात्मक परिस्थिति का सामना करें, मेडिटेशन करें। समझ रहे हैं? जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है वो सब आपसे दूर हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, सुख समृद्धि आएगी। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगले 7 दिनों में आपके जीवन में क्या बदलने वाला है, क्या होने वाला है। तो डियर, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए। और सही ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं? आंखें बंद करते हैं, लंबी सी गहरी सांस लेते हैं और एक ऑप्शन चूज़ करते हैं और अपनी रीडिंग देखते हैं। अगर किसी वजह से, देखिए हमारा मन बहुत अशांत होता है, हम लोग नेगेटिव परिस्थितियों से घिरे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कभी कभी मन स्थिर नहीं होता तो हम सही पाइल चूज़ नहीं कर पाते। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को सुने। अगर आप उसे सुनते वक्त आपको लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, दूसरा पाइल चूज़ कर लीजिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो डियर, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में क्या बदलने वाला है, अगले 7 दिनों में आपको क्या मिलने वाला है, क्या खोने वाला है? आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी फैमिली में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, और आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या होगी? तो देखिए, कोई ऐसा काम था, कोई ऐसी बात थी, बहुत समय से आपने ईश्वर पर छोड़ रखी थी, आपने गॉड को सरेंडर कर रखा था। कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत समय से एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ लोग आपके साथ गलत कर रहे थे, मतलब कि आपकी समझदारी का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बेवकूफ़ है, इसे कुछ समझ में ही नहीं आता। यूँ समझ लीजिए कि ये जो लोग हैं ना, ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, जो मतलब कि बहुत समय से आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वो बार 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 आपको धोखा दे रहे थे। तो इन 7 दिनों में ये होने वाला है, आपके सब्र का बांध टूटने वाला है और आप उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाले हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा, बहुत गुस्सा आ जाएगा, और आप उन्हें सबक सिखाने वाले हैं इन 7 दिनों में। हो सकता है कि अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे बहुत समय से, वो आ नहीं रहा था, वो आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन नहीं ले रहा था, वो आ नहीं रहा था, आपसे बात नहीं कर रहा था, तो यूँ समझ लीजिए इन 7 दिनों में आपके पार्टनर आपके लिए एक स्ट्रांगली एक्शन लेने वाले हैं और आपको अपने साथ ले जाने वाले हैं। समझ रहे हैं? आप मेल हो या फीमेल हो, इन 7 दिनों में आप दोनों एक होने वाले हैं। इन 7 दिनों में ईश्वर आप दोनों को मिलाने वाले हैं। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसी कंडीशन है कि जैसे कि बहुत समय से आप किसी का जुल्म सह रहे थे। हो सकता है कि कोई आपका अनचाहा लाइफ पार्टनर हो, जैसे कि कभी कभी फैमिली वाले ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं किसी ऐसे इंसान से जो बिल्कुल भी आपके लायक नहीं होता है, लेकिन हो सकता है किसी भी वजह से उन्होंने आपकी शादी करवा दी हो। तो बहुत समय से आप सबके जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इन 7 दिनों में आप अपने लिए एक्शन लेने वाले हैं। इन 7 दिनों में आप उन्हें सबक सिखाने वाले हैं। इन 7 दिनों में आप अपने लिए लड़ने वाले हैं और इन 7 दिनों में उस अनचाहे रिश्ते से आपको छुटकारा मिलेगा, उस अनचाहे रिश्ते से आप मूव ऑन करने वाले हैं। हम उनकी बात करें जो आप ये रीडिंग जॉब से रिलेटेड देख रहे हैं या अपने बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हैं, करियर से रिलेटेड देख रहे हैं, तो कहीं जाना था उन्हें,
कहीं जाना था, कोई मीटिंग में या कोई इंटरव्यू देने, कुछ ऐसा था। बहुत समय से जा नहीं रहे थे और बहुत समय से उन्हें हर तरफ से नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा था, हर तरफ से। मतलब कि जैसे कि कोई है जो आपकी सक्सेस के आगे दीवार बन के खड़ा हो जाता है, कोई है जो नहीं चाहता कि आप सक्सेस हों। ये सब हो रहा था आपकी लाइफ में, बहुत मेहनत की लेकिन उसके बाद भी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिला और आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। तो यूँ समझ लीजिए, इन 7 दिनों में आप अपने करियर से रिलेटेड, जॉब हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, आप वहाँ जा सकेंगे और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की। हाँ हाँ, इधर ट्विन फ्लेम्स की भी रीडिंग आई हुई है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग आई हुई है जो अपने पार्टनर से सेपरेट हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी यादों में कभी कभी रोने लग जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है, क्या इसे कोई फीलिंग्स नहीं है, क्या इसे कोई प्यार नहीं है मुझसे, क्या इसे मेरी कोई परवाह नहीं है, इस तरह की बातें। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उसे मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कभी कभी आप रोने लग जा रहे थे, समझ रहे हैं। तो ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि बेटा, आपको पता है आपके विचारों का असर आपके ट्विन पर होता है, आप जैसा सोचते हैं ना उसका असर आपके मस्कुलाइन पर होता है, टोटली होता है। तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, सोच समझ कर कदम बढ़ाइए। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ भी मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमने जितनी मेहनत करी है, बना बनाया एक खेल है, आप उसे बिगाड़ दें। कभी कभी हम जैसे कि किसी मंजिल पर जाना होता है, हमें कहीं जाना होता है, हम वहाँ पहुँचने ही वाले होते हैं और आपको पता है मंजिल जितनी करीब होती है थकान उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यूँ समझ लीजिए कि 50% जो रास्ता होता है वो आप बिना थके तय कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी मंजिल के करीब पहुँचते हैं ना, थकान, निराशा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक समय पर क्या लगता है इंसान को कि अरे पता नहीं कितनी दूर है, और हम वहाँ से पीछे मुड़ जाते हैं, गिव अप कर देते कि अब हमसे नहीं होना, अब हम नहीं कर रहे। मतलब आप यूँ समझिए कि 10 कदम आप चलते तो आप अपनी मंजिल पर होते, लेकिन आपने 10 कदम पहले ही गिव अप कर दिया, 10 कदम पहले ही आपने अपना रास्ता मोड़ लिया। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ है, अगर आप कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हैं तो मत सोचिए। आपके विचारों का असर आपके पर्सन पर हो रहा है, आप नेगेटिव हो रहे हैं इसी वजह से वो नेगेटिव हो रहा है। आप पॉजिटिव रहिए तो वो भी पॉजिटिव होगा। खासकर जितने भी ट्विन सोल जर्नी में हैं उनको समझाना चाहते हैं, थोड़ी सी सतर्कता रखिए। हो सकता है कि कोई इंसान हो अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आया हो और वो ऐसा बोल रहा हो कि वो आपको बहुत प्यार देगा, बहुत खुशियाँ देगा, मतलब किसी भी तरह की कुछ बातें कर रहा हो आपसे, तो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो मेरे मस्कुलाइन से बहुत बेहतर है, क्यों ना मैं इसे छोड़ूं और उसका हाथ थाम लूं। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आपको हाथ दिखा रहा है कि हाँ मेरा हाथ पकड़ लो, वो पूरी ज़िंदगी आपका हाथ थाम कर चलने के लिए तैयार हो। 4 दिन के लिए सब हाथ थाम लेते हैं क्योंकि उन्हें टाइम पास करना होता है, समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी की ज़िंदगी से खेलना होता है। वो 4 दिन के लिए आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इतनी खुशियां बरसाएंगे, आपको लगेगा कि इससे अच्छा इंसान तो पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन 4 दिन बाद वो अपनी रियलिटी में आते हैं, तब बहुत तकलीफ़ होती है। ये जो मस्कुलाइन है ना, ये फेक नहीं है, ये रियल है। अगर ये रूड है तो रूड बातें ही करेगा आपसे, मतलब कि जैसे कि लोग मुखौटा लगाकर बातें करते हैं ना, ये वैसा नहीं है। अगर आपने इससे कहा कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम बहुत बुरे हो, तो वो कहेगा हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ ऐसा, मतलब कि वो जैसा है वो एक्सेप्ट करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा हाँ मैं हूँ, क्योंकि वो है, वो रियल है, वो फेक नहीं है। और ध्यान रखना, जो रियल होता है ना, जो रियल होता है उससे इतना खतरा नहीं होता जितना खतरा फेक लोगों से होता है। फेक लोग मीठा चेहरा लेकर आते हैं, भोली सी सूरत लेकर आते हैं और एक समय पर आपको इतना तोड़ देते हैं
क्योंकि आप उन पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। कम से कम ये इंसान आपके सामने झूठे दावे तो नहीं करता, ये इंसान आपसे झूठ तो नहीं बोलता, कि बड़ी बड़ी बातें तो नहीं फेंकता कि मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा। जैसा है वो खुद को स्वीकार करता है कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में होता है वो, तो एक्सेप्ट करता है। इससे अच्छी बात मस्कुलाइन की और कुछ भी नहीं हो सकती। तो डियर ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हाल फिलहाल आपके पास किसी का प्रपोज़ल आया है और आप पहले से अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार इससे अच्छा तो यही है, तो नहीं, गलती मत करना। ते हैं बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऐसे घुल मिल मत जाना, ऐसे अपनी प्राइवेसी अपनी प्राइवेट बातें किसी से शेयर मत कर देना। मस्कुलाइन से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस जर्नी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो थोड़ा सा आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कदम कदम पर खतरा है। आप अपने विचारों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी इंट्यूशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार ज़रूर पूरा होगा, लेकिन इन 7 दिनों में ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बेटा आप जैसा सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके मस्कुलाइन पर पड़ेगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके मस्कुलाइन पर पड़ेगा। इन 7 दिनों में आप जैसा चाहें वैसा उसे बना सकते हैं, समझ रहे हैं? आपका इससे अनंत जन्मों का रिश्ता है, आप इससे दूर होकर भी दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपकी आत्मा का एक हिस्सा है। और अपनी आत्मा से कोई कैसे दूर हो सकता है? ये शरीर भी ख़त्म हो जाएगा ना, तब भी वो आपका ही काउंटर पार्ट रहेगा अनंत जन्मों तक। तो आप इससे कभी भाग नहीं सकते, आप कभी इससे दूर नहीं हो सकते, ये कुछ भी कर ले आपके साथ। और वो जानबूझ के नहीं करता, उसका इंटेंशन बुरा नहीं होता, बस वो जैसा है नेगेटिव एनर्जी में, उसके मन में जो आया बोल दिया। वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले को बुरा लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इंसान को समझना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी वो अवेक होगा तो आपको बहुत खुश रखेगा, बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो इन 7 दिनों में आपको अपने मणिपुर चक्रा पे मेडिटेट करना है, और कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। इन 7 दिनों में आप जैसा सोचेंगे, आपके विचारों का प्रभाव बिल्कुल वैसा ही आपके मस्कुलाइन पर पड़ने वाला है। तो इन 7 दिनों में यही होने वाला है। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए। बहुत समय से जो आपके करियर में लोग आपकी सक्सेस के आगे दीवार खड़ी कर रहे थे, आप एक्शन लीजिए, वो दीवार भी टूटेगी और वो लोग भी आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। डरिए मत, एक्शन लीजिए, क्योंकि हमेशा आप कहते हैं कि आपने पहले एक्शन लिया था पर कुछ नहीं हुआ, आपने पहले एक्शन लिया था तब कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि वो समय कुछ और था और ये समय कुछ और है। समय समय का भी बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? समय समय पर काम करना, तो ये जो समय है ये आपके लिए बेस्ट है। इस वक्त अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो डियर, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में क्या बदलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है? कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको, बहुत बड़ी। चाहे आपका करियर हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो, आपको मतलब कि एक पावर मिलने वाली है, एक पोजीशन मिलने वाली है, एक उच्च पद मिलने वाला है आपको। हो सकता है कि बहुत समय से किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत समय से आप कुछ पाना चाह रहे थे, बहुत समय से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। आप स्ट्रेटजी बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, पर कुछ हो नहीं रहा था। तो यूँ समझ लीजिए, इन 7 दिनों में वो होने वाला है। ये
मैनिफेस्टेशन आप जिस चीज़ के लिए भी कर रहे थे, समझ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी कर रहे थे, प्यार के लिए, परिवार के लिए, करियर के लिए, ईश्वर के लिए, जिस भी चीज़ के लिए कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। यूँ समझ लीजिए कि ईश्वर आप पर मेहरबान है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश हो जाइए, नेगेटिव मत होना। अभी अगर आप ये रीडिंग देखते देखते नेगेटिव हो गए ना, देखिए हम इतने कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं, हम एक मेडिटेट की अवस्था में बोल रहे हैं, हम कितना पॉजिटिव होकर बोल रहे हैं। तो अगर आप इसे पॉजिटिव होकर सुनेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो वाकई आपको मिलने वाला है, अभी से अगर आप उसे सेलिब्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं आप उसे और भी ज़्यादा गहराइयों से मैनिफेस्ट करेंगे और 100% वो आपको मिल जाएगा। कुछ नेगेटिव आत्माएं, अरे कुछ नहीं हो रहा है, सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, फिर क्या ये सब करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की उम्मीद रखते हैं, खुशियों की उम्मीद रखते हैं? कहीं नहीं मिलने वाली। वही मिलेगा जो आप बोल रहे हो, वही फसल काटोगे जो बीज आपने बोया है। बबूल का पेड़ लगा के आम नहीं खा लोगे आप। नेगेटिव कमेंट करना, नेगेटिव बातें करना, हमारा कुछ नहीं होता बाबू, हमारा कुछ नहीं होगा इनसे, आपका बुरा होगा, आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे, आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करेंगे। आपको पता है इस प्रकृति का क्या नेचर है, ये एक बीज को 10 गुना बढ़ा कर देती है। हम जब खेत में कोई बीज डालते हैं तो कितने थोड़े से होते हैं जिन्हें हम डालते हैं, लेकिन वो हमें 100 गुना ज़्यादा होकर मिलता है। ऐसे ही आपके नेगेटिव और पॉजिटिव विचार हैं, आप जो लिखते हैं, आप जो पढ़ते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो सुनते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो आपको 100 गुना ज़्यादा होकर मिलता है। आपने जो दिया है वही आप पर बरस पड़ेगा। चाहे आपने खुशियाँ बांटी हो तो आपको भी कहीं ना कहीं से खुशियाँ मिल जाएंगी। ध्यान रखना, अगर किसी इंसान के थ्रू आपको खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, आपने कहा कि आपने हमेशा सबका अच्छा किया, आपके साथ बुरा होता है, तो आप नेचर से बहुत कनेक्टेड होते हैं, समझ रहे हैं? तो आपको जीव जंतुओं का प्यार मिलने लगता है, पेड़ पौधों का प्यार मिलने लगता है, पशु पक्षियों का प्यार मिलने लगता है, क्योंकि ऐसी आत्माओं के पास रहना हर कोई चाहता है। पशु पक्षी, पता है उनकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग होती है, वो दूर से देख के समझ जाते हैं कि इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, ये बहुत अच्छा इंसान है, वो आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी पवित्र होती है और आपकी आत्मा की पवित्रता उन जीव जंतुओं को प्रभावित करती है। तो इसीलिए कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। तो खुश हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था वो इन्हीं 7 दिनों में आपको मिलेगा। अगर आप बहुत समय से जॉब कर रहे थे और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, बहुत कम सैलरी थी, कोई आपकी सुन नहीं रहा था, आप जितनी मेहनत करते थे उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता था, कुछ नहीं हो रहा था, तो डियर इन 7 दिनों में आप जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। मतलब कि 100 गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। आप कोई बिजनेसमैन है, अगर बहुत समय से कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते थे, कोई मीटिंग करना चाहते थे, कोई डील करना चाहते थे, कुछ भी आप करना चाहते थे, तो यूँ समझ लीजिए आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपका वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है इन्हीं 7 दिनों में, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। अगर कोई अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहा था, कुछ लोग हैं जो अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनका प्यार दूर चला गया था, फाइनेंशियल इशू की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी और वो उसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, डेली मेडिटेट कर रहे थे, जिन्होंने ईश्वर के प्रति खुद को सरेंडर कर दिया था, समर्पित कर दिया था, तो यूँ समझिए आप अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, आपका प्यार बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बहुत जल्द। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जो अपने चक्रों पर मेडिटेट कर रहे हैं,
समझ रहे हैं? तो यूं समझ लीजिए उनका फिफ्थ चक्र, जिसे विशुद्धि भी बोलते हैं, थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, और उनका सिक्स सेंस, थर्ड आई, जिसे हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, वो एक्टिवेट होने वाला है। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होने वाली है, इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि कहीं कुछ होने वाला हो और आपके सामने कोई ऐसा इंसान आया जो फेक फेस लेकर आया हो, मतलब झूठ बोल रहा हो, दिखावा कर रहा हो, तो तुरंत उसकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आपका सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होने वाली है, यूँ समझ लीजिए कि मतलब जो आगे भी होने वाला है ना, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये होता है। तो डियर, इन 7 दिनों में आप अपने स्पिरिचुअलिटी में एक ग्रोथ हासिल करने वाले हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है अगर आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे थे। और हमने आपको तो बता ही दिया है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग है ना, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई अच्छी सी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब देखिए ये जो मैनिफेस्टेशन अभी 2-4 दिन से किसी ने शुरू किया है, उनके लिए नहीं है ये, उनके लिए है जो काफ़ी समय से 2-3 महीने से कर रहे थे, उनके लिए है। समझ रहे हैं? जो 2-3 महीने से, 5-6 महीने से कर रहे थे, तो उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज होने वाला है, उनकी ज़िंदगी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उनकी ज़िंदगी में। तो ये देखिए, ये कोई जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं जाना हो, किसी को पाना हो, जो भी पाना चाहते थे आप, जिसके लिए भी ये सब कुछ आप कर रहे थे ना, डियर बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो आपको मिलने वाला है। वो आपको मिलने वाला है। और देखिए, कुछ लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, और हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इस वजह से उनके परिवार में कलह क्लेश मचा हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, और वो इस वजह से कहीं जॉब करने के लिए, कहीं कोई बिजनेस करने के लिए आपको छोड़कर चले गए थे। कम से कम आपको टाइम दे रहे थे, बातें बहुत कम कर पा रहे थे आपसे, और आप अपने लिए नहीं, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पर्सन को स्टेबल कर दीजिए, उसे उसके फ्यूचर में, उसे उसके करियर में सक्सेस दे दीजिए। तो यूँ समझिए कि इन 7 दिनों में आपकी वो प्रार्थना स्वीकार होने वाली है। पर्सन का जो फ्यूचर है उसमें उसे स्टेबिलिटी मिलने वाली है, वो स्टेबल होने वाला है, फाइनेंशियल उसकी ग्रोथ होने वाली है। समझ रहे हैं? तो दुख से घबराया मत करिए, पॉजिटिव रहा करिए। दुख सुख तो आता जाता रहता है ना, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये तो आता जाता रहेगा, लेकिन हमें हमेशा समझदारी बनाकर रखनी होती है, मैच्योरिटी बनाकर रखनी होती है। देखिए, कुछ लोगों के लिए हम बोल रहे हैं कि ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। आप कोई बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, या फिर आप कोई स्टूडेंट हो, अभी हाल फिलहाल आपको कोई ऑफ़र मिला है, ठीक है, या नहीं मिला है तो मिलने वाला है। और जो ये रीडिंग अपनी लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, तो उन्हें किसी का प्रपोज़ल मिलेगा। इन तीनों कंडीशन में आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि मैं क्या करूँ। तो ईश्वर क्या कह रहे हैं? ईश्वर कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करना। आप तीनों को आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपकी इनर वॉइस के थ्रू, आपको इन्हीं 7 दिनों में एंजल्स का एक मैसेज मिलने वाला है। ये मैसेज किसी इंसान के थ्रू भी आ सकता है, आपकी इंट्यूशन मतलब आपकी आत्मा की आवाज़ के थ्रू भी आ सकता है, कैसे भी आपको एक मैसेज मिलेगा। समझ रहे हैं? उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, उसके हिसाब से, समझदारी से, ठीक है, परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी के साथ। मैच्योर लोग कैसे होते हैं? जल्दबाजी नहीं करते हैं, सोच समझ कर एक्शन लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। जल्दबाजी में हड़बड़ा मत जाना कि सामने वाला आपको बहुत सारे लालच दे रहा है तो आपने सोचा कि अरे ये तो बहुत बेस्ट है, ये नहीं करना है। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आप अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, या आप एंजेलिक गाइडेंस को समझेंगे, वो गाइडेंस कहीं से भी आ सकता है, तो यूँ समझ लीजिए आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है।
चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपका कोई बिजनेस हो या जॉब हो। समझ रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है। अगर आपने सुन लिया और उसके हिसाब से आपने काम किया तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बहार ही बहार आ जाएगी, खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स भाग जाएंगी। मतलब कि एक बहुत बड़ा महल है, उस महल के अंदर सारी सुख सुविधाएँ हैं, लेकिन आपके पास उस महल की की नहीं है। तो इन 7 दिनों में आपको इस महल की, जिसमें बहुत सारी खुशियाँ हैं, सुख समृद्धि है, प्यार है, परिवार है, फ्यूचर है, करियर है, सब कुछ है, तो इन 7 दिनों में आपको उस महल की मिलने वाली है, चाबी मिलने वाली है। ध्यान रखना, किसी के भी थ्रू मिल सकती है, ठीक है? समझ गए ना? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो मन कहता है, दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, हमसे जुड़ना चाहिए, तो ही करना, वरना ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें कुछ आध्यात्मिक साथी चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल लोग चाहिए, कुछ पॉजिटिव लोग चाहिए। हम ना, हमें बहुत की आकांक्षा नहीं है, हमें थोड़े की आकांक्षा है, और हम उसी में तृप्त हैं, हम उसी में खुश हैं, ठीक है? और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।